आपके मेहनत का पैसा सरकार वेस्ट करती है, आपके टैक्स का पैसा नेता लोग कहाँ उड़ाते हैं? इतने सारे अमीर लोग होने के बावजूद भारत में इतनी गरीबी क्यों है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आई एम श्योर कि कभी ना कभी ये सारे सवाल आपके दिमाग में आए ही होंगे, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जहाँ देश का हर एक इंसान इन सारे सवालों के जवाब दे सकता है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पढ़कर। ये है भारत का बजट। ये हमारी इकोनॉमी के लिए साल का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, लेकिन हम में से कई लोगों को बजट कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि हमें तो स्कूल में ये सिखाया ही नहीं। चलिए आज बजट को आसान बनाते हैं, समझते हैं कि भारत का बजट बनता कैसे है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, आप में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, बजट बनता कैसे। बेसिकली बजट में 3 पॉइंट्स होते हैं, भारत कितना पैसा कमाने वाला है, भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है, और आने वाले साल में यानी अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक हमारा फोकस कहाँ होने वाला है, भारत को बेहतर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। जस्ट इन 3 पॉइंट्स को याद रखिए, इनका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देंगे। ये सवाल लगते सिंपल है लेकिन इनके जवाब प्रिपेयर करने के लिए 6 महीने लगते हैं। इस साल के बजट का काम पिछले साल के अगस्त में ही शुरू हो गया था। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सर्कुलर निकालती है और बाकी सारे मिनिस्ट्रीज को एक एस्टिमेट देने के लिए कहती है कि आने वाले साल में आपको कितने पैसे लगेंगे। ये सारी मिनिस्ट्रीज अप्रैल से लेकर अगस्त तक अपने खर्चे देखती है, उसमें आने वाले साल में होने वाले एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स को लगने वाले पैसे ऐड कर दिए हैं और ये एस्टिमेट फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी एक एस्टिमेट निकालती है कि अगले साल में जीडीपी कितना ग्रो होना चाहिए। फिर ये 2 फिगर्स टॉप ऑफिशियल्स तक पहुंचते हैं और अप्रूवल मिलने के बाद बजट बनाने का काम शुरू होता है। वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेस 1 महीने में भी निपटाई जा सकती है, लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करती है, जैसे कि बिजनेसेस, ट्रेड बॉडीज, फार्मर यूनियंस एक्सेट्रा। वो उनके सजेशंस कंसिडर करते हैं और फिर ही फाइनल बजट बनता है। सबसे एंड में फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करके फाइनल बजट बनाते हैं और ये बजट डॉक्यूमेंट फाइनल होने के बाद हलवा बनाते हैं, लिटरली हलवा बनाते हैं। ये हलवा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलग अलग मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डॉक्यूमेंट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है और उससे पहले कॉन्फिडेंशियल होता है। सोचिए अगर पूरा देश अपना पैसा कैसे स्पेंड करने वाला है ये खबर मार्केट में फैल गई तो मार्केट में लोग उन्हीं एरियाज में इन्वेस्ट करेंगे जहां प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं। मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन लीक होना देश के लिए डेंजरस हो सकता है, इसीलिए जिन लोगों ने बजट पे काम किया है उस बजट डिपार्टमेंट को लॉक किया जाता है और एक बार बजट प्रेजेंट हो जाए फिर ही उन्हें बाहर निकलने की परमिशन मिलती है। चैप्टर 2, बजट प्रेजेंट कैसे होता है। हर साल 1 फरवरी को बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन उससे 1 दिन पहले भारत की इकोनॉमी में हो क्या रहा है, पिछले साल भारत की इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया, ये बातें इकोनॉमिक सर्वे में लोगों के सामने रखी जाती हैं। यहाँ पिछले साल इन्फ्लेशन कितना हुआ, फॉरेन ट्रेड के फिगर्स क्या थे, हमने कितना लोन लिया, ये बातें लोगों को बताई जाती है। ये इकोनॉमिक सर्वे आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करती हैं। इस बजट के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट होता है बजट स्पीच और अनाउंसमेंट्स और दूसरा पार्ट होता है अकाउंट्स। अनाउंसमेंट्स में भारत का रोड मैप अनाउंस होता है, ये एक जनरल डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में भारत की पॉलिसी बनेगी। 2 टाइप के अनाउंसमेंट होते हैं, एक होते हैं जनरल और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर भारत ने सारे गाँव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन डालने का वादा किया था। भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू ब्रॉडबैंड केबल्स बिछाने का काम शुरू हो चुका है और भारत चाहता है कि 2025 तक हर गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच जाए। भारत सोलर पावर में एक लीडर बनना चाहता है और 2030 तक 280 गीगावाट एनर्जी सोलर एनर्जी से बनाना चाहता है। इसके लिए भारत ने 19,500 करोड़ रुपीज लास्ट ईयर के बजट में एडिशनली अलॉट किए। बजट प्रेजेंटेशन के दूसरे पार्ट में हम अकाउंट्स की बात करते हैं और यही वो हिस्सा होता है जिस पर हम सबकी नजर होती है। क्या टैक्सेस कम हुए, क्या हमें टैक्सेस बचाने के और तरीके मिले, ये सारे डिटेल्स फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में होते हैं। चैप्टर 1 में हमने 2 काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे कि भारत कितना पैसा कमाने वाला है और भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है। इन 2 सवालों का इम्पैक्ट आप पर और मुझ पर होता है क्योंकि इन्हीं के वजह से हमारे टैक्सेस बनते हैं। अकाउंट्स में हमारे इन्हीं सवालों पर बेस्ड 3 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, रिसीव बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन पॉइंट्स को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्विकली क्लियर कर लेते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है। अगर आपने कॉलेज में अकाउंट्स पढ़ा नहीं होगा तो शायद आपको ये टर्म्स सुनने में डिफिकल्ट लगते होंगे, लेकिन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो एक्चुअली ये टर्म्स काफी सिंपल है। कैपिटल यानी 1 टाइम, फिर वो कैपिटल एक्सपेंस होगा तो 1 टाइम होने वाला एक्सपेंस, या कैपिटल रिसीट होगा तो 1 टाइम होने वाला रिसीट। सपोज मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है तो एयरपोर्ट बनाने के लिए होने वाला खर्चा एक ही बार होगा, राइट, तो वो कैपिटल एक्सपेंस है।
सिमिलरली अगर हम जैसे पाकिस्तान IMF से बेल आउट ले रहा है वैसे लोन लेते हैं तो वो लोन एक ही बार आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर साल लोन आते ही जा रहा है। तो ये कैपिटल रिसीट है। इसी का ऑपोजिट है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी रेकरिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने भरना पड़ता है। पिछले महीने का बिल भरा फिर भी इस महीने का एक नया बिल आने वाला है। वैसे ही गवर्नमेंट के वो सारे एक्सपेंसेस जो एक रेकरिंग बेसिस पे होने वाले हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैलरीज। सिमिलरली हर साल सरकार टैक्सेस के तौर पर पैसे कमाती है, ये उनके लिए एक रेकरिंग इनकम है, यानी ये है रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अब वापस आते हैं उन तीन पॉइंट्स पर, रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिसीट बजट में एक पूरी की पूरी लिस्ट निकलती है कि आने वाले साल में देश को कितना पैसा कहां कहां से आना चाहिए। इसमें इनकम टैक्स, GST और कस्टम्स ड्यूटी, फीस और पेनल्टीज और लोन्स और ग्रांट्स शामिल होते हैं। अब एक सेकंड वीडियो पॉज कीजिए और खुद को पूछिए कि इन चारों में से कैपिटल रिसीट्स कौन से हैं और रेवेन्यू रिसीट्स कौन से। पहले तीन रेवेन्यू रिसीट्स हैं और लास्ट वाली कैपिटल रिसीट्स। सेकंड पॉइंट है एक्सपेंडिचर बजट, जहां फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पैसा कहां कहां खर्च होने वाला है इसका प्लान प्रेजेंट होता है, ये आप यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में ये प्रेजेंट होता है कि किस मिनिस्ट्री ने किस काम के लिए कितने पैसे मांगे। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों को 1 या 2 रुपए में अनाज डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये अनाज MSP पे खरीदा जाता है और डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ 1 या 2 रुपए में होता है, यानी टैक्स पेयर्स का पैसा 2 बार खर्च होता है। अगले साल में गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देगी। इस मिनिस्ट्री ने इस साल 2,30,000 करोड़ मांगे और उन्हें 2,05,000 करोड़ एलोकेट हुए। देखो बॉस, भारत में पैसे लिमिटेड होते हैं तो हर मिनिस्ट्री में एक कॉम्पिटिशन रहती है कि कितना पैसा कहाँ कहाँ एलोकेट होना चाहिए। अब आपने समझा कि बजट होता क्या है। इस बजट के सारे टैक्स वाले अनाउंसमेंट से फाइनेंस बिल बनता है और ये बिल पार्लियामेंट में पास होने पर एक एक्ट बनता है। सरकार पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर आपका पैसा यूज नहीं कर सकती। सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है जो उन्हें अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू मिलता है। इस बिल से पैसे हर एक मिनिस्ट्री को दिए जाते हैं। चैप्टर 3, बजट इम्पोर्टेंट क्यों है। हम हमेशा सोचते हैं कि अरे मैं तो टैक्स पे करता हूँ, इनकम टैक्स भी पे करता हूँ, GST भी, तो इस पैसे का होता क्या है, अच्छी सड़कें क्यों नहीं बनती, प्रॉब्लम्स फिक्स क्यों नहीं होते। ये समझने के लिए बजट एक एक्सेलेंट सोर्स होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। भारत एक डेफिसिट बजट बनाता है, यानी हमारे एक्सपेंसेस हमारे इनकम से ज्यादा है, और ये गैप सरकार लोन लेकर फिल करती है, और इस लोन पर हर साल हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यानी इतना सारा टैक्स देने के बाद भी भारत के पास जितना चाहिए उतना पैसा नहीं होता। चैप्टर 4, हमारा पैसा जाता कहाँ है। चलिए हमारे बजट को जरा गौर से देखते हैं और समझते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा जाता कहाँ है। चलिए यूनियन बजट के अकाउंट्स देखते हैं, रिसीट बजट देखते हैं, यानी अगले एक साल में हम कितने पैसे कमाएंगे। एज पर द रिसीट बजट हम टैक्सेस के थ्रू 33 लाख करोड़ कमाएंगे। इसमें से 10 लाख करोड़ स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ताकि स्टेट्स अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर पाए। कुल मिलाकर सेंटर के पास टैक्स रेवेन्यूज 23.3 लाख करोड़ आएंगे, ऐसा केंद्र सरकार एस्टिमेट करती है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज 3 लाख करोड़ है, सो इन टोटल 26 लाख करोड़ हम खर्च कर सकते हैं। अब बजट में निर्मला मैम ने कहा कि हमारे एक्सपेंसेस 45 लाख करोड़ होंगे। इतना तो रेवेन्यू हमारे पास है नहीं, तो जो बच जाता है यानी 19 लाख करोड़ हम बोरो करेंगे। अब एक्सपेंडिचर बजट की ओर ध्यान देते हैं। सबसे हाईएस्ट एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को है और इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स काफी हाई फिगर है ऑफ 10,79,000 करोड़। सेकेंड नंबर पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद 5,93,000 करोड़। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इंक्लूडेड है। यहाँ पर कैपिटल आउटले मतलब वेपन अपग्रेड्स, न्यू इक्विपमेंट एक्सेट्रा होता है। एंड अगर आप गौर करें तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हम डिफेंस पेंशन्स के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो MSP पे फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में देती है। एक और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हम फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी देते हैं, जो इस मिनिस्ट्री के 1,75,000 करोड़ में रिफ्लेक्ट होता है। होम मिनिस्ट्री की तरफ ध्यान देते हैं, इसके अंडर सारे यूनियन टेरिटरीज एंड पुलिस आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर UT के लिए एक अमाउंट सैंक्शन किया गया है। इस बजट में 2 मिनिस्ट्रीज को काफी हाई एलोकेशन मिली, वो है रेलवेज एंड रोडवेज। दोनों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हाई एलोकेशन मिला। वन गुड थिंग अबाउट दिस बजट इज कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करते हैं तो उसके रिटर्न हमें ज्यादा मिलते हैं एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड मिलते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर 1 रुपीज खर्चा करने पर हमें 2.5 रुपीज रिटर्न मिलते हैं।
That's why अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना हो सके उतना कम करना होगा। चैप्टर 5 कंक्लूजन। भारत का मेन प्रॉब्लम यही है कि भारत का टैक्स पेइंग बेस काफी छोटा है। जब बात टैक्स पे करने की होती है तो भारत दुनिया में 116th रैंक करता है। भारत के सिर्फ 2% लोग टैक्स पे करते हैं। ये नंबर चाइना में 15% और अमेरिका में 80% है। यही रीजन है कि ये देश फास्ट तरक्की कर सकते हैं। यानी कमाने वाले हाथ बहुत कम है और खाने वाले मुंह बहुत ज्यादा। एज अ रिजल्ट हमें लोन लेना पड़ता है। ये लोन हम कहाँ से लेते हैं, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बजट समझने से हमें ये पता चलता है कि देश कैसे चलता है। एक डेमोक्रेसी हेल्दी डेमोक्रेसी तभी कहलाती है जब आप और मुझ जैसे आम लोग बजट जैसे चीजों को खास अटेंशन देते हैं, डेटा और फाइनेंस को समझते हैं और फिर सरकार से सही सवाल पूछते हैं कि बॉस मैंने तो आपको पैसा दिया, अब वो सही जगह लगाओ। और यही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। Hey दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। हम आपके लिए पॉलिसीज को सिंपलीफाई करना चाहते हैं। आप और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। क्या आपने सोचा है कि भारत में एक प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। हम पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही अच्छी और इन डिटेल सीरीज बना रहे हैं कॉल्ड पाकिस्तान एक्सप्लेन, जो आप यहां पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।